दोस्तों नमस्कार। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपने ग्राहकों को चार्ज कुछ न कुछ लाते रहते हैं, क्या आपको इस बार चार्ज लगने वाला है ये भी इस वीडियो में बताएंगे, और किन के लिए ये चार्ज लगेगा और किन के लिए ये चार्ज नहीं लगेगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिससे आप उसे वर्चुअली तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अगर आपको यूपीआई यूज करना है तो आप जो है गूगल पे, फोन पे की मदद से जो है आप वर्चुअल कार्ड के सहायता से आप यूज कर सकते हैं। हालांकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी आपको जो है यूपीआई की सुविधा दिया जाता है। जब आप उसको क्रिएट करते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड को, तब वहाँ पे भी कुछ रुपया आपसे लिया जाता है चार्ज के रूप में। लेकिन यहाँ पे अब कहा जा रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से आपको जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना होगा 25 रुपया प्लस GST के साथ। प्रत्येक साल आपको ये वर्चुअल डेबिट कार्ड के ऊपर आपको चार्ज देना पड़ेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वर्चुअल डेबिट कार्ड यानी कि BDC पे ये चार्ज जो है 15 जुलाई 2022 से लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है, जो प्रीमियम अकाउंट होते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के, उन पे जो है ये चार्ज लागू नहीं किया जाएगा। 25 रुपया एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपसे लिए जाएंगे प्रत्येक साल, और GST सही ये प्रीमियम अकाउंट पे लागू नहीं होता। वैसे मैं आपको बता दूं, एक और चार्ज आया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, अगर आप 3 बार से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं या कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल या मिनी स्टेटमेंट निकालते समय, आपको 1 महीने में 3 ट्रांजैक्शन दिया जाए, और 3 बार से ज्यादा 1 महीने में आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे 20 रुपया प्लस GST के साथ आपको देना पड़ेगा चार्ज। वैसे प्रीमियम अकाउंट पे ये जो है चार्ज छूट दिया जाता है। प्रीमियम अकाउंट होता क्या है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो बहुत ही जल्द मैं आपको इस टॉपिक पे वीडियो देने वाला हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब आप 1 या 2 दिन बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम आपको उस वीडियो का लिंक दे देंगे। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए।